Friends, welcome to Unacademy Studios Vector. Myself Sanjay Rathi, XIES. आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन मिस्टेक्स के बारे में जो नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं और फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट जैसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते. वैसे ये मिस्टेक्स सभी स्टूडेंट्स और सभी कैंडिडेट्स के लिए कॉमन है. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन. फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, अगेन माई सेल्फ संजय राठी, एक्स आई एस ऑफिसर. आई एम हैविंग 18 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट एंड PSU. इन 18 सालों के टीचिंग में मैंने एक्सपीरियंस किया है क्या मिस्टेक्स करते हैं कि एक डिग्री के बाद दूसरी डिग्री हो जाती है, दूसरी डिग्री के बाद तीसरी डिग्री हो जाती है. इट मीन्स 4 साल की डिग्री बीटेक की, उसके बाद दिल्ली आते हैं, 4 साल तक और ड्रॉप लिया, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट 4 साल तक ड्रॉप लिया, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ. एज हो गई आपकी 28-30 क्रॉस कर गई, 21 में डिग्री कंप्लीट होती है. और अगर 30 में अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो 9 ईयर्स में बताओ आपकी कितनी डिग्री कंप्लीट हो गई. ओके, तो मैंने वहाँ पर एक कंक्लूजन निकाला, राइट. और पूरे एक्सपीरियंस के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस से मैं आपसे वो मिस्टेक शेयर करूँगा. मैंने पहले इन सभी मिस्टेक्स के बारे में बताया लोगों को, उनसे अवॉइड करवाई और वहाँ उन्होंने सिलेक्शन लिया. तो आप भी देखिएगा. देन आई हैव क्वालिफाइड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 3 times, राइट. एंड यू कैन फॉलो मी ऑन unacademy.com @SanjayKRRathi27, जिसका लिंक आपको नीचे दिया हुआ है. यहाँ आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब कर सकते हैं. अगर आप प्लस सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेनिफिट्स हैं, 1 subscription अनलिमिटेड एक्सेस. आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम सब्सक्राइब कीजिए, दैट इज ESE, राइट. आपको मिलेंगी जनरल स्टडीज एप्टीट्यूड की भी क्लासेस, ऑल द टेक्निकल सब्जेक्ट्स, राइट. देन टिप्स एंड ट्रिक्स टू इंक्रीज योर स्कोर. ये टिप्स एंड ट्रिक्स दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर एग्जाम लाइक ESE बाय UPSC एंड गेट बाय IIT. टेस्ट सीरीज बाय टॉप एडुकेटर्स, यस. टेस्ट सीरीज मार्केट में बहुत अवेलेबल है, लेकिन यहाँ जो टेस्ट सीरीज हम बना रहे हैं वो सब एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा है. ओके, तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए और किस स्टैंडर्ड का पूछा जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है. तो ध्यान दीजिएगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट. एक बात बताइए, पढ़ाना तो टीचर की मर्जी पर है, टीचर अपने नोट्स खुद बना कर लाते हैं, तो कैसे पढ़ाना है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चों के डाउट क्लियर हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे. डाउट वेरिएबल होते हैं. डाउनलोडेबल सेशन है, वीडियोज़ हैं एंड PDFs हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आपकी क्लास मिस कर गई है, रिविज़न करना चाहते हो, आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो. सबसे बड़ी बात है रियल टाइम इंटरेक्शन विद एडुकेटर ड्यूरिंग क्लासेस, राइट. ड्यूरिंग लाइव क्लासेस आप अपने डाउट पूछ सकते हो, टीचर से चैट कर सकते हो. तो ये है. तो आप अगर अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करने का प्लान बना रहे हैं तो यूज कीजिए मेरा कोड राठी लाइव एंड गेट द 10% डिस्काउंट. आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज द अनअकैडमी माई स्टूडियोज वैक्टर. ओके, यहां मिलेंगे नोटिफिकेशन अबाउट लेटेस्ट वीडियो ऑन YouTube. ओके, वीडियोस मतलब टेक्निकल वीडियोस, ठीक है, आगे नहीं, टेक्निकल वीडियोस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ. और सेकंड है स्पेशल कोर्सेज एंड थर्ड है रेगुलर कोर्सेज ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म. ओके, देन ये सब फैकल्टी मेंबर्स अवेलेबल हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में. जनरल स्टडीज के मास्टर हैं, ऑल द अदर टेक्निकल सब्जेक्ट्स हो रहे हैं यहाँ पर कंप्लीट. तो ये सब भी 1 subscription पे आपको अवेलेबल होंगे. इन सभी फैकल्टीज को आप लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हैं थ्रू स्पेशल क्लासेस. दीज आर द डेमो क्लासेस ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. नाउ इट इज द इजिएस्ट वे टू लर्न इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑनलाइन. ये उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जो मेट्रो तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है ना. तो इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी मेट्रोज में होती है, खासकर दिल्ली में, हर किसी के लिए वहां पहुंचना मुश्किल है. तो आप जो रिमोट एरियाज में रह रहे हैं स्टूडेंट्स, वो भी अपनी तैयारी अर्ली स्टेज में स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है. देन आप अगर इसे लैपटॉप पर वॉच कर रहे हैं तो यहाँ देखिएगा, यहाँ एजुकेटर नजर आते हैं, यहाँ आप देखेंगे कंटेंट है. और ये जैसा मैंने पहले बताया, आप एजुकेटर्स के साथ लाइव चैट कर सकते हैं, इंटरेक्टिव पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. लर्न एनी टाइम एंड एनी वेयर. देन
It is ESE subscription available for 1 month, 3 months, 6 months, 12 months and 24 months. For 24 month fee around 40,000, use code Rathi Live and get the 10% discount. It is also available for 1 year, that is 12 month, fee is 25,000. Use code Rathi Live and get the 10% discount. अगर आप इसे मोबाइल पर देखना चाहते हैं राइट कोर्स करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए और फिर सब्सक्राइब कीजिए ESE, दैट इज इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, ESE बाय UPSC। यहां आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, GS, मैथ, एप्टीट्यूड, जनरल स्टडीज में पूरे 10 टॉपिक्स, साथ में ऑल द टेक्निकल सब्जेक्ट। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वाला स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल कर सकता है, इलेक्ट्रिकल वाला स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकता है, सभी कोर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। और इसके साथ साथ यहां आपकी तैयारी हो जाएगी गेट की भी। ये गेट का पोर्शन कुछ नहीं है, ये इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, दैट इज अ सबसेट ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। तो आप अगर पूरा अप्रोच लेकर चल रहे हैं और अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के, और अगर आपने कोर्स स्टार्ट किया तो आपके सेमेस्टर के भी पूरे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं, साथ ही साथ गेट की तैयारी हो रही है और कंप्लीट इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी तैयारी हो रही है, दैट इज द फुल पैकेज है ये। देन फॉर मोबाइल द फी स्ट्रक्चर इज सेम अगेन, 25,000 फॉर 1 ईयर एंड 40,000 फॉर 2 ईयर एंड गेट द 10% डिस्काउंट बाय यूजिंग माय कोड Rathi Live। अब हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, 5 mistakes टू बी अवॉइडेड। यस, ये मैंने जैसा पहला कहा, ये मेरा 18 ईयर्स टीचिंग लाइन में रहने का एक्सपीरियंस है। इन सालों में मैंने भी एग्जाम्स निकाले हैं, 3 बार मैंने ये क्वालिफाई किया हुआ है और एज अ डिप्टी डायरेक्टर मैंने मिनिस्ट्री ऑफ पावर में काम किया राइट। और इसी बीच मैंने दिल्ली में हजारों बच्चों से डील किया और मैंने देखा, और हम जो रहे हैं जिया सराय, कटवारिया सराय, ठीक है ना, वहाँ जिंदगी वहाँ बीतती है, जिया सराय, कटवारिया सराय राइट, और कालू सराय, अभी घिटोरनी, साकेत, ये सब नए प्लेसेस हो गए वहाँ रहने के लिए। ये सब स्टूडेंट एरिया है, थोड़ा चीप पड़ता है, लेकिन अब कितना चीप पड़ता है आप भी समझ रहे हो, कितनी कॉस्ट लग जाती है। जितनी कॉस्ट किसी कोचिंग की नहीं है ना, उससे ज़्यादा तो रहने खाने की फीस लग रही है। इसीलिए अगर आप साल दर साल रह रहे हो, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, भाई 4 साल की तो डिग्री होती है, फिर एक्स्ट्रा 4 साल, ऐसा हम क्या कर रहे हैं, ऐसे हम क्या गलती कर रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। पता है आपको बार बार कोई बताता है कि आप टेक्निकली ये सब्जेक्ट वीक रह गया, कभी वो सब्जेक्ट वीक रह गया, इसीलिए आप नहीं, अगले साल फिर आपने 4-5 कोई सब्जेक्ट चूज़ किया, उसमें मास्टरी कर ली, फिर भी सिलेक्शन नहीं। मुझे नहीं लगता कि सब्जेक्ट की प्रॉब्लम है, नो, कंटेंट भरपूर हो जाता है साल दो साल में। अरे वो इंजीनियर जो रात भर में सेमेस्टर निकालता है, वो 2 साल कोचिंग करने के बाद क्या उसका कंटेंट पूरा नहीं होगा? कुछ तो और प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो। और देखिए, मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं हूँ, ठीक है, सिंपल नवोदय विद्यालय से पढ़ाई है, तो आप ये देखिए कि आप बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होने के बावजूद भी आप आराम से सेलेक्ट होते हो। इसका मतलब क्या है? ये हार्ड वर्क नहीं, कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क है। तो इस पूरे पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक एग्जाम लाइक इंजीनियरिंग सर्विसेज, दैट इज बाय UPSC, सिविल सर्विसेज अगेन बाय UPSC एंड व्हाट गेट बाय IIT। ये कोई छोटे मोटे एग्जाम्स नहीं है राइट, ये सब एक लेवल के एग्जाम्स हैं, और इन लेवल्स के एग्जाम के लिए आपको मेंटली भी बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होना पड़ेगा। एग्जाम निकालने के बाद आपको बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठाया जाएगा राइट, और आप मेंटली अभी से स्ट्रांग नहीं है, आप इस एग्जाम को ही फेस करने के लायक नहीं है। तो देख लिए, अगर आपने रिटर्न निकाल भी लिया तो आपकी कैपेबिलिटी इंटरव्यू में तो पकड़ में आई जाएगी। तो आज से इस पॉइंट्स को, इन मिस्टेक्स को हम अपनी जिंदगी से निकालते हैं। तो इसमें से मैं 5 मेजर पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो गलतियां नॉर्मल स्टूडेंट्स करता है। ओके, हमारे पास इस बात का मैं ऑथेंटिसिटी फिर से मैं बता दूं, मुझे कैसे पता चला, हम लोगों से ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं ना, जब हम लोग एक्सपीरियंस फैकल्टी जब इतने सारे बच्चों को डील कर रहे हैं राइट, तो हजारों बच्चों को पढ़ाने के बाद जनरल क्वेश्चन ये नहीं होता है। टेक्निकल क्वेश्चंस तो आते हैं, सर ये क्वेश्चन का डाउट बता दो, वो क्वेश्चन का डाउट बता दो, लेकिन नॉर्मली ये क्वेश्चन आता है, सर अब मेरा इस साल अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरे घर परिवार में इतनी प्रॉब्लम है राइट, मेरे माँ बाप मेरे ऊपर डिपेंड हैं राइट, मेरे घर में मैं सबसे बड़ा हूँ और 3 बहनें हैं, 4 भाई हैं एंड सो ऑन,
इन सब की जिम्मेदारी है, अगर अब मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा तो मैं कब होऊंगा, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक ये 22 साल का, 23 साल का, 24 साल का, 30 30 साल के बच्चे आज भी मुझे फ़ोन करके पूछते हैं। ओके, तो उसका सॉल्यूशन है, हम लोग देखते हैं क्या है। तो पहला है मोर थिंकिंग एंड लेस वर्किंग, यस इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है कट ऑफ वर्सेज टॉपर्स मार्क्स, राइट, तो इस पर भी हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन थर्ड है लैक ऑफ पेशेंस, यहाँ भी कंपैरिजन, आपस में एक दूसरे से कंपेयर करना, और डिपेंडेंसी, कैसे हम डिपेंड हो जाते हैं किसी पर, कैसे हम डिपेंड हो जाते हैं किसी कोचिंग पर, कैसे हम डिपेंड हो जाते हैं किसी पर्सन पर कि वो हमारा बेड़ा पार लगाएगा। तो देखते हैं वन बाय वन। तो पहला पॉइंट मोर थिंकिंग लेस वर्किंग, यस यहाँ देखिए आपके सामने एक फिगर है, यहाँ बच्चा सोच रहा है बस मोर थिंकिंग एंड लेस वर्किंग, जबकि गीता में क्या कहा गया है, कर्म कर और फल की चिंता छोड़ दे। तो यहाँ लिखा हुआ है डू योर ड्यूटी विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स। ये बड़ी बातें लगती हैं, हम लोग भी बचपन से गीता सुन रहे हैं, हर जगह हर स्कूल में लिखा हुआ है कर्म कर और फल की चिंता छोड़ दे। एक बात बताओ, कौन कौन ऐसा स्टूडेंट है जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का रिजल्ट नहीं चाहता, कौन कौन ऐसा स्टूडेंट है जो गेट की तैयारी कर रहा है लेकिन जब PSU में सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे फल की तो परवाह ही नहीं है, राइट। तो गीता को हमने कुछ अलग तरीके से समझ लिया, ज़्यादा ही संतुष्टि का भाव लिया है, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का जो मतलब है मेरे विचार से, और लोगों के मत अलग अलग हो सकते हैं, सेटिस्फैक्शन का मतलब है मैं इसे पाने की कोशिश करूंगा, मैं अपनी जान लगा दूंगा, मैं अपने कोई भी रिसोर्सेस को छोड़ूंगा नहीं, सभी रिसोर्सेस का यूज़ करूंगा, अपनी फुल कैपेबिलिटी यूज़ करूंगा उस पर्टिकुलर गोल को पाने के लिए। लेकिन अगर मुझे खुदा न खासा किसी कारण से नहीं मिल पाता है तो मैं उतना वरी नहीं करूंगा, मैं उसे अपने हाथ पर नहीं लूंगा, मेरे हाथ में मेरी कोशिश करना है। लेकिन फेल होने के बाद मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि मेरी कोशिश में कुछ कमी रह गई थी, ठीक है। तो ज़्यादा सोचिए मत रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कब चालू करूँ, मैं तो परफेक्ट होऊंगा तब चालू करूँगा, ठीक है ना। आमिर खान हर कोई नहीं बन सकता, वो है परफेक्शनिस्ट, मूवी जब तक रिलीज नहीं होती तब तक वो परफेक्शन ना आ जाए, लेकिन क्या उसकी मूवी उनकी मूवी फ्लॉप नहीं होती, होती है, सभी की मूवीज फ्लॉप होती है। तो हम भी कोई काम को एक मिनिमम कुछ स्टैंडर्ड सेट करने के बाद हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, राइट। स्टार्ट कर दीजिए काम, निकलेंगे, गलतियां होंगी, ऑटोमेटिकली परफेक्शन आएगा। तो देखिए होता क्या है, दो बातें मैं आपसे बोल रहा हूँ वो ध्यान रखिएगा। पहला, एक बच्चे ने या आपने या मैंने सोचा कि मैं साइकिल चलाते हुए नहीं गिरूंगा क्योंकि मैंने लोगों को गिरते हुए देखा था, गिरते हुए देखा है, हाथ पैर टूटते देखा है, तो मैंने सोचा भाई मैं नहीं गिरूंगा, मुझे गिरने से डर लगता है। मैंने साइकिल चलाने की जितनी मार्केट में बुक थी ना सब ले आया। अब जब मैं सब मार्केट से बुक ले आया, पूरा पढ़ लिया क्योंकि मुझे गिरने से डर लगता है, मैंने हर वो तरीका सीख लिया जिससे मैं साइकिल चला सकता हूँ, राइट। लेकिन सब सीखने के बाद मुझे लगा, देखिए सबको मैंने बुलाया, देखो मैं एक ऐसा शख्स होने वाला हूँ जो साइकिल चलाते हुए नहीं गिरूंगा, ओके ठीक है भाई। लेकिन जैसे ही मैं साइकिल चलाने निकला और मैं फिर गिर गया, समझ में आती बात। अरे थियोरेटिकल था वो जो किताब पढ़ना है, जैसे ही आप निकले अपने जीवन में और जैसे ही आप बाहर निकले ठोकर खाए और गिर गए, तो कुछ चीज़ों की तैयारी ज़रूरी है। यस, किताब पढ़ने से ये हुआ कि मैंने अपने घुटने में गार्ड लगा लिया, हाथ में गार्ड लगा लिया, हेलमेट पहन लिया, लेकिन मैं गिरने से नहीं बचा पाया, लेकिन अपने आप को चोट से बचा लिया। तो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों को मिलाना पड़ेगा। अब गलतियां हुई, गलती हुई, गलती से सीखते चले गए, हमने उससे एक्सपीरियंस लिया और हम आगे बढ़ रहे हैं, एक बात। तो आप आगे बढ़िए। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है ना, क्षण में जिए, हमें क्षण में जीना चाहिए। क्षण में जीने का क्या मतलब है, हमने एक गोल सेट किया, मुझे UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम निकालना है या गेट का एग्जाम देना है। आपने सोचा और आप सोचे ही जा रहे हो, तो अरे काम भी तो स्टार्ट करो, आप सोचते ही रहोगे क्या। अब आपने सोच लिया कि मुझे स्टार्ट करना है, आप स्टार्ट कर दीजिए, जितनी उतनी जितनी जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, बुक्स के बारे में, कोचिंग के बारे में, मटेरियल के बारे में, जो आपको कलेक्ट करना है 10-15 दिन कर लीजिए, ठीक। अगर सपोज आप दिल्ली पहुँचे हो, तो दिल्ली पहुँचे हो तो 4 दिन पहले दिल्ली घूम लीजिए, राइट। मेरा कहना मानिए, अगर आप नहीं घूमे हो, हर कोई तीसरे दिन आपके रूम में आ जाएगा, GSRI बेरसराय में बोलेगा चल यार आज अक्षरधाम चलते हैं, आपका मन तो नहीं है पढ़ना है, लेकिन आपका मन हो गया अक्षरधाम तो बहुत नाम सुने, चलो कुतुब मीनार ही घूम के आ जाते हैं, इंडिया गेट की आइसक्रीम ही खा के आ जाते हैं, होता है ना।
तो आप इंडिया गेट के आइसक्रीम एक काम करो, जैसे दिल्ली पहुंचे ना 4-5 दिन मस्त आइसक्रीम वगैरह खा लो, कुतुब मीनार देख लो, अक्षरधाम देख लो, जितना जो थिएटर्स है जो देख लो, जो जो आप सुने हो देख लो। अरे बहुत चीप है दिल्ली में, बहुत मतलब सिटी बसेस हैं, हो है, टूरिस्ट बस में घूमिए 250-300-400-500 रुपये में आप पूरा दिल्ली घूम लोगे, उस मामले में महंगा नहीं है, राइट। आप पढ़ाई तो चालू कीजिए, आप थिंकिंग बंद कीजिए, अपना टारगेट सेट, मुझे गेट निकालना है, मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज निकालना है, किसी भी हालत पे फर्स्ट आना है, आपने टारगेट सेट कर लिया। लेकिन रोज रोज फिर सुबह उठते सोच रहे हो, आपका मन है ना, सुबह सुबह आप उठोगे फर्स्ट आना है, फुल जोश में पढ़ोगे, रात तक आपका मन बोलेगा नहीं निकलेगा आपसे, राइट। गया फिर पूरी रात आप, किसी को कुछ है, किसी को कुछ हैबिट है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, फिर आप उसके गश्त में चले गए या दोस्तों से मिलने चले गए, अरे भाई उसको रोकिए, क्षण में जिए, राइट। हमने गोल टारगेट सेट कर लिया, फरवरी में गेट देना है, जनवरी में ईएस देना है, फिर मेंस देना है, वो तो निकलेगा ही। छोटे छोटे गोल सेट कीजिए, क्षण में जिए, हम क्षण को इंजॉय करना है, जिंदगी हमें खराब नहीं करना, बड़ी मुश्किल से हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। तो मैंने एक बात पढ़ी थी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बंदा सौवें माले से गिर गया, अब जब सौवें माले से गिर गया तो 50वें माले में पूछा बंदे ने, कैसा लग रहा है आपको? अरे बताइए बताइए, सौवें माले से गिर गया उसका मालूम नहीं पड़ जाएगा वो आदमी, लेकिन 50वें माले से उस पर्सन ने पूछा कैसा लग रहा है आपको, तो उस बंदे ने कहा अभी तो बढ़िया लग रहा है, राइट, अभी तो मैं मजे में हूँ, जब गिर जाऊँगा तब की तब देखी जाएगी। इसे बोला जाता है क्षण में जीना, राइट। तो आप क्षण में जिए, इंजॉय कीजिए, मंजिल तो है गेट निकालना, ईएस निकालना, लेकिन हमें रास्तों को भी क्या करना है, इंजॉय करना है, ओके। तो ये बात है, इसका ध्यान रखिए। जो जो अभी अभी वैष्णो देवी गए हैं, दर्शन तो होने ही हैं, दर्शन तो होंगे देवी के, वो तो क्षण भर सेकेंड्स के दर्शन होंगे, उस 12 किलोमीटर की जर्नी को इंजॉय करते हैं हम, मजे करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो ये अपने दिमाग में आज सेट कर लीजिए, पढ़ाई को अगर आप बोझ समझ रहे हो या पढ़ाई को ऐसा समझ रहे हो कि इसके दम पर एग्जाम निकालेंगे, कभी एग्जाम नहीं निकलेगा। आप बस सोचिए कि मुझे इंजॉय करना है, मुझे मजे करना है, मैं मजे से पढ़ने आया हूँ, सभी टीचर्स के पढ़ने का तरीका मैं देखूंगा, हर आपको वैरायटी ऑफ फैकल्टीज मिलेंगी, पूरा पूरा ज्ञान भरा पड़ा है, उनको इंजॉय कीजिए, हर से डाउट पूछिए, हर से अपने क्वेश्चन पूछिए, नॉलेज लीजिए, टेक्निकली साउंड बनिए। मैं आपको वादा करता हूँ एग्जाम साइड इफेक्ट में निकलते हैं, एग्जाम की तैयारी नहीं की जाती, एग्जाम साइड इफेक्ट में निकलते हैं, बस एक टारगेट सेट करके इंजॉय किया जाता है पढ़ाई को, ठीक है। तो थिंकिंग छोड़िए, काम पे लगिए, कर्म करो और फल की चिंता छोड़ दो, और फल की गारंटी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कर्म करो और आपको फल ना मिले, आज तक कोई ऐसा एग्जाम्पल हुआ नहीं है, ठीक है। किसी को जल्दी मिला तो किसी को देर से मिला। देन नेक्स्ट है, जो सबसे बड़ी मिस्टेक फिर हम करते हैं, अब हमने सोच लिया, हमें थिंकिंग तो बंद हो गई, ठीक है ना, अब आपने बोर्ड बना लिया, यस सर अब गेट का टारगेट है, ईएस का टारगेट है, सोचेंगे नहीं काम करेंगे। अब आपने इन्फॉर्मेशन, जो नॉर्मली 90% स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, हर साल का कट ऑफ पूछते हैं। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता, अरे भाई इतने सालों से बोला ना, हजारों बच्चों को पढ़ाया, तो बार बार मेरी कोचिंग में आके बच्चे एक ही बात पूछते हैं, सर बताइए कि क्या है पिछले साल का कट ऑफ क्या गया, मैं 2 नंबर से चूक गया। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, वो हमेशा यही बोलता है 2 नंबर से मैं चूक गया सर, मेरा प्री में नहीं हुआ, अदरवाइज मेरा मेंस में हो जाता, मेरा इंटरव्यू में हो जाता। मैं हमेशा पूछता हूँ ये 2 नंबर से कैसे चूक गए, तुमको कैसे पता आप 2 नंबर या 1 नंबर से चूक गए? सर देखिए ना, कट ऑफ इस साल का इंटरव्यू के लिए कट ऑफ 2504 गया, राइट, या ईएस का, ये देखिए मैंने कट ऑफ लिखा है, ये सब प्री के कट ऑफ है, राइट। इंजीनियरिंग सर्विसेज में 3 बातें होती हैं, प्री होता है, मेंस होता है, एंड देन इंटरव्यू होता है। तो प्री का कट ऑफ गया था 2018, ऑथेंटिक डाटा है फ्रॉम यूपीएससी वेबसाइट, 213 नंबर, 213। सर मैं मेंस से चूक गया क्योंकि मेरे 211 नंबर आए। अरे भाई 211 नंबर, 2 नंबर से चूके हो, किससे? कट ऑफ से, बाउंड्री पे ही तो अटके थे, कौन सा टॉप कर जाते अगर आपका हो भी जाता तो। अब आप दोनों मेंस का मिला के, दोनों का मिला के कट ऑफ आया 504। फिर मेरे पास बच्चा आया सहानुभूति लेने के लिए, सर मैं फिर चूक गया। अरे फिर कितने नंबर से चूक गया? सर मैं 2 नंबर से चूक गया। मतलब 2 नंबर 1 नंबर कहाँ से पता चलता है, 10 नंबर 2 नंबर? तो बोला सर 504 कट ऑफ था, मेरा 503 आया। देखिए सर मेरी किस्मत कैसी है, 1 नंबर से मैं चूक गया, मात्र 1 नंबर से मैं चूक गया। मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है, पूरे सितारे मेरे अगेंस्ट हैं, मैं बचपन से मेहनत कर रहा हूँ, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, नो इंटरेस्ट,
किसी को भी आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चार्ली चैपलिन ने एक बात बोली, चार्ली चैपलिन ने बोला, ध्यान दीजिएगा, उनकी माँ स्टेज में गाना गाती थी, सैनिकों का मनोरंजन करती थी उस समय, तो गाना गा रही है तो सब बढ़िया बहुत गाना गाती थी, उनकी आवाज़ फट गई, राइट। तो जब उनकी माँ के आवाज़ थोड़ी सी फट गई, मतलब थोड़ी आवाज़ ख़राब हो गई, तो वहाँ के सैनिक हंसने लगे। एक दिन चार्ली चैपलिन छोटे थे तो वो चले गए स्टेज पर, उन्होंने बस, उनको पता नहीं, तो उन्होंने अपनी माँ की नकल उतारी। नकल उतारने के बाद क्या किया उन्होंने, नकल उतारी अपनी माँ की, फटी आवाज़ में गाना गाए, तो बहुत हंसे लोग, बहुत हंसे। उस दिन चार्ली चैपलिन को समझ में आया, लोगों को दूसरों के दुख में हंसी आती है, अगर लोगों के दुख को हास्य फॉर्म में शो किया जाए तो लोगों को हंसी बहुत आती है और लोगों को बात भी समझ में आती है, राइट। और लोगों को नॉर्मली 90% लोगों को आपके दुख से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, मुझे कैसे मतलब नहीं होगा, राइट। एक गुरु को अगर शिष्य से मतलब नहीं है तो गुरु की वैल्यू ही नहीं है। किसी भी अगर गुरु को, ऐसे गुरु को देखे हो, है ना, नेता है भीड़ी नहीं है, और गुरु है कोई शिष्य ही नहीं है, तो उस गुरु की क्या वैल्यू। गुरु की या टीचर की वैल्यू तब तक है जब तक उसका स्टूडेंट उसे देख रहा है, उसकी इज्जत कर रहा है, ना अदरवाइज गुरु की कोई वैल्यू नहीं है। तो चार्ली चैपलिन ने बात कही, आपके दुख से दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए किसी के सामने कभी भी हतोत्साहित मत होइए, रोना मत रोइए, राइट। आप ध्यान रखिए, और ये सहानुभूति बटोरने की आदत छोड़ दो आप लोग, ये सहानुभूति है, 2 नंबर से चुक गया, 10 नंबर से चुक गया, और जिंदगी थोड़ी खत्म हो गई क्या, जिंदगी इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के दम पर चलती है क्या। एक फली बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, या बाकी लोग जो वो इतने कम पढ़े लिखे हैं तो भी जिंदगी जी रहे हैं, तो क्या हम तो इतने हाईली क्वालिफाइड हैं तो हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, ये सोचिए जरा। गलती कहाँ है, कट ऑफ। आप कट ऑफ को बोल बोल के अपने आप को सहानुभूति मत दीजिए, आप 2 नंबर या 3 नंबर से नहीं चुके। अगर आपके 502 नंबर आए हैं तो मैं आपको कैलकुलेशन देता हूँ, कट ऑफ था उस साल का 504, लेकिन 610 थे टॉपर के नंबर इन प्री और मेंस को मिला के आउट ऑफ 1100। तो बताइए आप इंटरव्यू से कितने नंबर से चुक गए, अगर आपको 502 आए हैं तो 610 थे टॉपर्स के नंबर, राइट। और यहां से आप 502 माइनस करो अपना नंबर तो 8, राइट, 1 1। आप 2 नंबर से नहीं चुके हो मेरे दोस्त, 118 नंबर से चूक गए हो आप। सॉरी, कैलकुलेशन थोड़ी सी लगता है मैंने कुछ किया, यस यस यस, ये 2 और आपका ये 108 मार्क्स, यस यस, 108 मार्क्स से आप चुक गए, समझ में आ रही बात। ये थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स होते रहती है। 108 नंबर को कवर करना है, ना कि 2 नवंबर को कवर करना है। तो इस बार जो भी मेंस निकाला, इंटरव्यू दिया, या जो जो भी मेंस में चूक गए हैं, वो ध्यान रखिए, आप कभी भी कट ऑफ से कंपेयर मत करो, टॉपर्स के मार्क्स से कंपेयर करो। और टॉपर्स में भी रिटर्न वाले के टॉपर्स देखिए, फर्स्ट रैंकर ने तो 610 लाया था, सेकंड 614, 15 एंड 621, फोर्थ रैंकर के हाईएस्ट मार्क्स हैं 621 आउट ऑफ 1100, क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स फर्स्ट रैंकर के ज़्यादा आए थे, इसीलिए इसने नंबर ज़्यादा लिया है, तो इसलिए इंटरव्यू में ज़्यादा आ गया, इसलिए फर्स्ट आ गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन सबसे हाईएस्ट मार्क्स था 621। अब आप फिर कैलकुलेशन करो, आपके आए 502, आप बोल रहे हो मैं 2 नंबर से चूक गया, क्योंकि आप कट ऑफ से कंपेयर कर रहे हो, जबकि आप चूक चुके हो, आप देखिएगा 119 मार्क्स पीछे हो। अगर ये सेट करोगे ना, तब तो अपना जान लगाओगे। आप तो बोल रहे हो मैं 2 नंबर से चूक गया, अब उसी 2 नंबर को कवर करने में आप घूमना फिरना चालू है। आपका टारगेट हो गया, मैं 2 नंबर से नहीं चुका, मैं 119 नंबर से चूक चुका हूँ, अब मैं 150 नंबर एक्स्ट्रा लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगले साल टॉपर्स के मार्क्स और बढ़ेंगे, क्योंकि उसे मैं बढ़ाऊंगा। मैं एक ऐसा माइलस्टोन सेट कर दूंगा, ऐसा एक एग्जांपल सेट कर दूंगा कि लोग मेरे नंबर्स को एक माइलस्टोन बना के मेरे नंबर को टारगेट करें। ये होना चाहिए थीम, ना कि ये होना चाहिए कि अरे सर मैं कट ऑफ कट ऑफ, ठीक है, प्लीज़ टारगेट। और कुछ ये इसके ना रिकॉर्ड ब्रेक कर दो, ऐसे नंबर आए कि जो लोग मालूम सालों तक आपको टारगेट करें रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा, अब आप देखिए, 2 बातें आपने कर ली, पहला आपने क्या किया, थिंकिंग, भैया थिंकिंग कर रहे हैं। दूसरी आपने बात क्या कर दी, आपने बोला अच्छा ठीक है भाई सर, अब कट ऑफ की बजाय टॉपर्स के मार्क्स को हम टारगेट करेंगे। अब आप हड़बड़ा गए हो, टॉपर्स के मार्क्स आ नहीं रहे सर फटाफट, मतलब आप तो बोले थे 2 महीना 3 महीना हम मजे पे एंजॉय भी करने,
ये सब, अब आपका पेशेंस जवाब देने लग गया, जोश आ गया, बुक्स का कलेक्शन हो गया, सब हो गया, अब आपको जैसे ही पढ़ते हो सुबह अच्छा लगता है, शाम तक लगता है पता नहीं क्या होगा, सुबह अच्छा लगता है शाम तक पढ़ते हो पता नहीं क्या होगा। भाई साहब पढ़ाई ना धीरे धीरे आती है, अगर आपको फास्ट लगता है कोई टीचर फास्ट दे सकता है तो एक काम कीजिएगा, पेन ड्राइव ले आइएगा, पेन ड्राइव लाएंगे मेरे दिमाग में लगाएंगे, आप में लगाएंगे, डेटा ट्रांसफर। तो जितने भी टॉपर टीचर हैं या टॉपर है लास्ट ईयर के, उनका तो काम हो गया ना, वो तो टॉप कर गए, तो उनको डेटा देने में क्या दिक्कत है, आप कंपटीशन भी नहीं दे रहे हो, पेन ड्राइव लगाओ डेटा ट्रांसफर फटाफट, आदमी एक ही दिन में क्लोन तैयार हो गया, खत्म, सब मेहनत के बात ही खत्म हो गई। नो, हम लोग कंप्यूटर नहीं है, हम ह्यूमन बींग है, चीज़ें हमें धीरे धीरे समझ में आती है, किसी को धीरे समझ में आती है, किसी को फास्ट समझ में आती है, कछुए हैं तो क्या हुआ, हैं तो हैं, स्लो एंड स्टडी विल विन द रेस, ये बात याद रखिएगा, कछुए खरगोश की कहानी हम बचपन से पढ़ रहे हैं, अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है धीरे धीरे आएगी, पेशेंस रखिए, राइट, ये बात ध्यान रखिए, पेशेंस बहुत ही बड़ा कीवर्ड है। और अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट का सिलेबस 1.5 साल का है और अगर आपने सेकेंड और थर्ड ईयर से तैयारी नहीं चालू की और अगर आप ड्रॉप लेने के बाद तैयारी चालू कर रहे हो तो अपने माइंड को सेट कीजिए, 1 से 1.5 साल लगता है, और अपने जूनियर को मैसेज दीजिए कि भाई आप तैयारी जल्दी चालू करो सेकेंड ईयर, नहीं तो दिल्ली में जाके धक्के खाना होगा, इतनी अच्छी फैसिलिटी हो गई, ऑनलाइन क्लासेस अब सब जगह अवेलेबल है, तैयारी फास्ट सेकेंड ईयर से तैयारी चालू करो ताकि आपके जूनियर ना गलती करे। अगर ये वीडियो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स देख रहा है, फाइनल ईयर का देख रहा है, मैं उसे बोलूँगा जल्दी तैयारी स्टार्ट कर दो, सब कंटेंट आपके डोर पर, आपके कंप्यूटर पर, आपके मोबाइल पर अवेलेबल है, इससे अच्छे युग तो आया नहीं था, एज ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंजॉय कीजिए, टाइम पर स्टार्ट हो जाइए, ठीक है। तो आपको 1.5 साल लगेगा, दिमाग सेट कर लो, पेशेंस, फिर उसके बाद 1.5 साल लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 साल लग जाए, 5 साल अगर 1.5-2 साल से ज़्यादा लग रहा है मतलब कुछ कमी है आप में, कमी आपका, आप ये फिर कमी, आप ये मत सोचिए कि मैं कैपेबल ही नहीं हूँ, कैपेबल सब हैं, कैपेबल सब हैं, बाय बर्थ जो होशियार पैदा होता तो वाली थ्योरी बदल गई है, बाय बर्थ पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं, वो बात सब बदल चुकी है। अब बात हो गई है कि मॉडर्न थ्योरी बोलती है कि थ्रू मैनेजमेंट, थ्रू आपके ट्रेनिंग किसी भी शख्स को तैयार किया जा सकता है, हम तैयार करेंगे आपको, आप अपना चूज कीजिए कौन सा गुरु चूज करना है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि गुरु कैसे चूज किया जाता है, आप स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क नहीं, आपको 1.5-2 साल से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, उससे ज़्यादा के लायक एग्जाम नहीं है, राइट। तो 1.5-2 साल इतना आइडिया, इतना नॉलेज है, तो गणेश जी बने, आपको याद है एक कहानी मैंने बताया था, गणेश और कार्तिकेय को टास्क दिया गया था अपनी दुनिया के 3 चक्कर लगाओ, कार्तिकेय अपनी दुनिया के चक्कर लगाने लगे, पूरे पृथ्वी का ही चक्कर लगा रहे हैं तो बहुत टाइम लगेगा उनको, तो अपने मोर की सवारी, और गणेश जी के पास चूहा था छोटा, उनको अपनी कैपेबिलिटी पता थी, उन्होंने स्मार्ट वर्ड किया, अब उन्होंने सोचा मेरी दुनिया तो मेरे माँ बाप हैं, शिव एंड पार्वती हैं, उन्होंने तुरंत इनके 3 चक्कर लगा लिए, और जैसे ही 3 चक्कर लगाए वो कार्तिकेय से जीत गए, एंड दैट इज व्हाट, ये कहाँ का एग्जाम्पल है सोचिए जरा, हम बचपन से पढ़ रहे हैं, राइट, ऐसा हो नहीं सकता कि किसी के घर में ये बातें ना हो, सबको पता है, पूरे भारत में पता है, ठीक है। तो हम क्यों नहीं स्टार्ट करते स्मार्ट वर्क, हम हमेशा लगे रहते हैं हार्ड वर्क करने में, हम एग्जाम इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट की बात कर रहे हैं, हाई लेवल के एग्जाम्स हैं ये, ठीक है, सोच समझ कर आगे बढ़ना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, राइट, इतना भी मत लगाओ कि बहुत देर हो जाए, लेकिन थोड़ा सा प्लानिंग करके आप आगे बढ़िए, 1.5-2 साल से ज्यादा का कोर्स नहीं है ये, ओके। देन अब एक और बात आती है कि अब चलो सर स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, आपने टारगेट सेट कर लिया, सर सोचना बंद किया मैंने, रिजल्ट तब की तब आएगा जब साइड इफेक्ट में रिजल्ट निकालेंगे, आपने टारगेट सेट कर लिया, अपना बढ़िया रास्ते को भी इंजॉय कर रहे हो, रोज क्लास को भी इंजॉय कर रहे हो, उसके बाद स्मार्ट वर्क भी हो गया, कट ऑफ और टॉपर्स के मार्क्स भी आपने दीवार पर सेट कर लिया, अब क्या, अब चालू होता है सबसे डेंजरस इस टेक्नोलॉजी के युग में, मोबाइल, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ठीक है, आपका व्हाट्सअप, हर पल हर सेकेंड आपके हाथ में मोबाइल है, आप हर किसी का स्टेटस देख रहे हो, अब तो स्टेटस भी आ गया, तो हर किसी का स्टेटस दिख रहे हो और अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हो, कोई एक हमारे कॉलेज के समय में सर कैंपस में प्लेस्ड हो गया था, बताइए सर अब तो अभी अमेरिका में एंजॉय कर रहा है, हम लोग सर UPSC की तैयारी कर रहे हैं, बताओ 10x10 के एक रूम में बैठे हुए हैं, 10x10 तो मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, मैंने तो कुछ लोगों को देखा 8x8 के रूम में किचन में, भाई फर्स्ट ईयर तो पैसा मिला पेरेंट्स से तो बढ़िया रह लिए, AC वेसी भी लगवा लिए, सेकेंड ईयर खत्म हो गया, धीरे धीरे पेरेंट्स भी थकने लगे, ठीक है ना, मैंने बोला ना दुख से हास पैदा होता है, मैं किसी के पेरेंट्स का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बात करने का तरीका है, बात समझने वाली बात है, रूम छोटे हो गए,
किचन किचन का जो वो प्लेटफॉर्म होता है ना उसमें सोते देखा है मैंने, जिया सराय में उसमें देखा है मैंने, मैंने 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 कभी भी ऐसा ड्रॉप लेके तैयारी नहीं की। मैं अपनी भिलाई में कोचिंग चलाता था और वहाँ से सेलेक्ट हुआ हूँ, लेकिन मैंने जब जाके देखा बोले ये क्या है भाई, तो बोले ये है स्पेशल तैयारी। एक रूम, उसमें किचन, उसमें एक साइड में गैस चूल्हा पड़ा हुआ है, सुबह उसमें खाना बनता है, रात में उसे सोया जाता है, किताबों का ढेर लगा हुआ है आजू बाजू। ओहो राइट। उसमें से अब उस समय मैं जब पढ़ता था 2001, 2004, 2006 तक, तब तक इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम लोग ये कंपेयर नहीं कर पाते थे कि जो मेरा अमेरिका में दोस्त गया है ना वो कैसे रह रहा है, जो सेलेक्ट हो चुका था टाटा कंसल्टेंसी, प्राइवेट, इंफोसिस, ये वो, तो मुझे नहीं पता था वो कैसी लाइफ जी रहा है। पल पल में लोग स्टेटस बदलते, भाई बाइक खरीदे फोटो डाल दिए, कार खरीदे फोटो डाल दिए, अरे कहीं घूमने गए फोटो डाल दिए, फ्लाइट में गए तो फोटो डाल दिए। ये बात हो गई, फ्लाइट ना हुआ क्या हो गया पता नहीं, मतलब मैं फ्लाइट में जा रहा हूँ, अरे भाई अब कॉमन हो चुका है फ्लाइट, लेकिन नहीं, फ्लाइट का एयरपोर्ट का फोटो डाल दिए। अच्छा है, ऐसा नहीं है कि उन किसी को नीचा दिखाना चाह रहे, अपनी खुशी बता रहे, खुशी से डाल दिए फेसबुक पे, रोज दो दो मिनट में अपडेट हो रहा है। अब अपडेट हो रहा है कि एक बात बताइए, तो मुझे क्या लग रहा है भाई, वो बहुत यार मजे कर रहा है, चलिए इसको तो छोड़िए। कई बार किसी ने आके बताया मैं तो भाई मैं तो बहुत बड़ा टॉपर हूँ, मेरे तो टेस्ट सीरीज में, मैं तो वहाँ फले फलाने कोचिंग की टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, मेरे तो बहुत नंबर आ रहे हैं। अरे बाबा, टेस्ट सीरीज में आ रहे हैं ना, गेट के पेपर में थोड़ी ना है। हमारे एक स्टूडेंट का केस बताता हूँ, स्टूडेंट ने एक नामी ग्रामी कोचिंग की टेस्ट सीरीज दी और वहाँ उनकी रैंक आई 20,000 और वहाँ 100,000 बच्चों से ज़्यादा दे रहे थे गेट का एग्जाम, वहाँ पर रैंक आई 20,000। मुझे बोले सर मेरा तो नहीं होगा सिलेक्शन, मेरी तो अभी रैंक नहीं आ रही, और ये बात एक महीना पहले की थी गेट की, एकदम ऑथेंटिक केस है ये, राइट। हाँ मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं उनका नंबर दे सकता हूँ, यहाँ मैं कोड नहीं कर सकता। 20,000 रैंक आई भाई, उसके बाद उन्होंने तैयारी छोड़ दी। मैंने एक दिन काउंसलिंग की, मैंने कहा भाई 20,000 रैंक आई है ना किसमें, किसी कोचिंग के एग्ज़ाम में ना, वो ऑथेंटिक थोड़ी ना, ये गेट का एग्ज़ाम थोड़ी ना, आप मेंटली आप प्रिपेयर्ड हो, मैंने पढ़ाया है, मैंने अपने आंखों से देखा आपकी कैपेबिलिटी, क्यों घबरा रहे हो। बड़ी कॉन्फिडेंस देने के बाद मैंने उनको भेजा गेट में, वहाँ जाके फिर वो थोड़ा सा माइंड में हावी हो गया। मैं पर्सनली जानता हूँ अंडर 10 आने लायक था दम, बिल्कुल अंडर 10 पता चल जाता है भाई इतने साल से पढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर जैसी टेबल पर बैठी फिर ध्यान आ गया मेरी तो 20,000 रैंक आई थी, अरे फिर कहाँ कोचिंग में। लेकिन मेरी बात याद आ गई, बोले नहीं सर ने कहा था कि भाई मुझे भिड़ना है, भिड़ गई और भिड़ी वापस, तो उनकी रैंक आई 600 और आज अच्छी जगह पोस्टेड है, ठीक है ना, जॉब में है ONGC के, कोई ऐसा इशू नहीं है, बढ़िया हो गया, सब कुछ अच्छा चल रहा है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच। लेकिन मैं जहाँ 10 आना था कंपैरिजन के चक्कर में पूरी रैंक बिगड़ गई। ऑथेंटिक सोर्सेस की केस सीरीज दीजिए, ये रैंक नामी गिरामी कोचिंग्स की हैं, किसी की रैंक अगर पीछे आ रही है ना तो उससे मत घबराओ, और 1-1.5 महीना पहले तो टेस्ट देना छोड़ दो, राइट। तो यहाँ पर देखो एक स्लोगन है, हम हमेशा सुनते हैं, यू मे थिंक द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड बट इफ यू टेक द टाइम टू वाटर योर ओन ग्रास इट वुड बी जस्ट एज ग्रीन। यस, आपको लगता है कि कोई अच्छी जिंदगी जी रहा है तो जीने दीजिए, राइट, मजे करने दीजिए, आप कोशिश कीजिए, अगर आप में कुछ कमी लग रही है अपने आप को कोशिश कीजिए, आपके साइड की भी घास एक दिन ग्रीन जरूर हो जाएगी, आपके पास भी शोहरत होगी, आपके पास भी नाम होगा, आपके पास भी गाड़ी होगा, बंगला होगा, जो भी आपकी चाहत है सब पूरी होगी। ओके, बस अभी आप फोकस्ड हो जाइए, बात बात पे कंपैरिजन मत करो, ना नंबर से कंपेयर करो, ना किसी चीज़ से। हर इंसान को भगवान ने सोच समझ कर बनाया है, जैसे हमारे फादर कहते हैं, अगर किसी को, अगर सबको एक ही दिमाग दे देता तो सबके सब इंजीनियर नहीं बन जाते, सबको एक ही दिमाग दे देता तो सबके सब डॉक्टर बन जाते, तो फिर बताइए चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन बनता, फिर बताइए खाना बनाने का हल्दीराम का कौन भुजिया कौन चेन चलाता, राइट, कौन ये एकेडमी चला रहा होता बताइए, राइट। तो किसी ने अनएकेडमी को इंस्पिरेशन दी ना कि अनएकेडमी खोलना है, किन्हीं के दिमाग में आया जो इतना अफोर्डेबल एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए हर किसी के लिए प्लेटफॉर्म है, मैं आज एक टीचर बन गया हूँ, आप कुछ और बन जाएंगे, तो भगवान ने सबको अपने हिसाब से बनाया है क्योंकि उसे बैलेंस करना है। अगर ऐसा होता ना तो एक गली में ना सब के सब एक जैसी दुकानें होती, आप हर किसी को देख लो, कोई कपड़ा बेच रहा है तो कोई समोसा बेच रहा है तो कोई पानी की बोतल बेच रहा है, सीपी में घूम चले जाओ, दिल्ली में घूमने चले जाओ, सीपी में एक जैसी आपको दुकान नहीं दिखेगी, और हर कोई अपने अपने शॉप का मास्टर है। वैसे ही हर किसी के दिमाग में ना भगवान शुरू से उसका इंटरेस्ट सेट कर देता है,
आप अब इंजीनियरिंग में आ चुके हो, आप अपना इंटरेस्ट देखिए, कंपैरिजन मत करो, हर किसी के अपनी लाइफ है, राइट। तो एक ऐड आया था, जस्ट मैं उसके बारे में बताकर कंक्लूड करता हूँ इसे। एक ऐड में था कि एक आदमी, राइट, बहुत रईस आदमी और एजेड आदमी, 60 ईयर्स ओल्ड, राइट, जा रहा है 50 मान लो आप, उसके सर पे बाल नहीं है। अभी वैसे भी एक मूवी आने वाली बाला, जिसके सर में बाल नहीं है, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, उसके सर में बाल नहीं है। अब वो देख रहा है एक आदमी को जिसके सर में बाल है, वो लड़का 22 साल का यंग लड़का है, ठीक। तो वो देख रहा है कि इसके सर में बाल नहीं है, ये पर्सन यहाँ है, उसको देख रहा है, यार मेरे सर में तो बाल नहीं है, इसके तो बड़े घने बाल है, मस्त 22 साल का लड़का, बाल दिख रहे हैं उसके, वो बाल को देख रहा है। अब साइकिल सुनो, वो जो लड़का है ना, वो दूसरे को देख रहा है, 25 साल के एक लड़के को, एक उसकी शादी हो चुकी है और वो एक लड़की के साथ घूम रहा है, वो बड़ी सुंदर है, वो सोच रहा है, यार काश मैं भी एक ऐसी मेरी शादी हो जाए, ठीक है। अब उसकी पूर्ति हो गई, क्यों, इसके पास बाल नहीं है तो इसके बाल को देखकर खुश हो रहा है, और इसके पास ये शादी करना है तो वो एक प्लान कर रहा है कि यार मुझे भी ऐसा चाहिए, ठीक है, वो भी थोड़ा दुखी हो गया। और ये बंदा इसको वापस देख रहा है कि यार इसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, क्या आप सब अपनी पोजिशन से खुश हैं, देखिए इस आदमी में कितनी रईसी है, गाड़ी घोड़े नौकर चाकर की बात लगी हुई है, लेकिन बालों का शौक नहीं है। उसके पास बाल हैं तो उसके पास एक गर्लफ्रेंड का शौक है, या अपनी वाइफ लाने का शौक है, राइट। उसके पास गर्लफ्रेंड है, घर है, सब है, तो अब उसके जैसा रईस होना चाहता है कि मेरे पास गाड़ी बंगला सब आ जाए, एंड सो ऑन। ये है कंपैरिजन, राइट। तो कंपैरिजन करते करते जिंदगी बीत जाएगी, आप क्षण में इंजॉय नहीं कर पाओगे, तो इंजॉय कीजिए, मेरी बात याद रखिए, यही लाइफ है, और मजे कीजिए। आपका भी दिन आएगा, ऊपर वाला सबके लिए बनाया है, और हमारे यहाँ कहावत है, देर आए पर दुरुस्त आए, लेकिन इतनी भी देर मत करो भाई, हमारा फ़ायदा उठाइए। सब कंटेंट आपको ऑनलाइन, सब चीज़ें अवेलेबल हैं, अब आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहले ये सब चीज़ें सबसे दूर थी, अब तो आपके लैपटॉप मोबाइल पर सब जानकारी है, बस आप जानकारियों को कैसे, नॉलेज को यूज़ करते हो, कैसे लेते हो, वो आपका स्मार्ट वर्क होगा। लास्ट पॉइंट एंड वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिपेंडेंसी। यस, ये क्या है आखिर, डिपेंडेंट हो जाते हैं हम किसी पर, राइट। तो डिपेंडेंट नहीं होना है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, एकला चलो, जब भी आप ऊपर चलते हो तो आप हमेशा अकेले जाते हो। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा है, वहां आप अकेले ही जा सकते हो, राइट। जो भी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, आईआईटी गेट के एग्जाम तैयार करवाती है, ये टॉप लेवल के एग्जाम्स हैं, आपको अकेले जाना है, राइट। तो अकेले जाना है तो एकला चलो, दोबारा मैंने बोला, एकला चलो, रविन्द्रनाथ टैगोर, एकला चलो का मतलब ये नहीं अपना घर बार छोड़ दो, अपने दोस्तों को छोड़ दो, नो, वो सब साथ हैं, लेकिन जब आपको जाना है तो आपको ये जर्नी आपको अकेले करनी होगी, आपको मेहनत भी करनी होगी, अपने आप को कंट्रोल करना होगा, आपको आपको डिसिप्लिन में रखना होगा आपको, क्योंकि आपने बड़ा टारगेट सेट किया। ये किसी के पेरेंट्स के बोलने से, किसी दोस्त के बोलने से नहीं हो सकता कि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करो, मैं मान नहीं सकता, ठीक है ना। आपने जब मूड बनाया है, ये आपका दम है, जो आप दिल्ली में बैठकर या मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो एस्पायरेंट है, जो ईएस की तैयारी कर रहा है, जो गेट की तैयारी कर रहा है, वो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखेगा, ईच एंड एवरी पॉइंट को समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा मेरा एक्सपीरियंस है, राइट। तो देखते हैं जरा डिपेंडेंसी की क्या बात हुई। एक छोटी सी कहानी मैंने देखी थी, एक बार ये मकड़ी स्पाइडर, इसको बड़ा मन हुआ ईगल को देखकर, ये देखिए ईगल है, इसको बड़ा मन हुआ इसको देखकर कि भाई ये तो बड़ी ऊंची छलांग लगाता है और ऊंचाई पे जाकर बैठ जाता है, ये है पहाड़, यहां बैठ गया ईगल, राइट। तो इसने सोचा मैं भी ऐसा क्यों नहीं कर सकती, तो इसने तैयारी नहीं की, इसने सोचा कुछ शॉर्टकट लगाया जाए। एक दिन जब ईगल नीचे आके बैठा जमीन पर, तो उसके पैरों से चिपक गई, कहां चिपक गई, उसके पैरों से चिपक गई मकड़ी, ठीक है ना, स्पाइडर। और जैसे ही ईगल उड़ा, तो जैसे ही ईगल उड़ा तो पहाड़ों पर ले गया, राइट। और जब पहाड़ों पे ले गया, वहां पर छोड़ दिया, वहां पर जाके मकड़ी पहुंच गई, वहां उसको लगा वाह क्या शॉर्टकट है, बिना मेहनत के मैं पहुंच गई, ईगल इतने सालों से मेहनत ही कर रहा है, लेकिन ईगल तो ईगल है, अपनी मेहनत से पहुंचा है, उसने ली अंगड़ाई, यस, है ना, देखो किसका स्टाइल है, आप समझ ही रहे होगे, है ना। तो उसने ली अंगड़ाई, और अंगड़ाई ली तो मकड़ी ने सोचा मैं भी लेती हूं अंगड़ाई, भैया टशन, तो ईगल की तो अपनी टशन है ना, अपनी मेहनत से पहुंचा है। जैसी मकड़ी ने ली अंगड़ाई, हवा के झोंके ने उसे नीचे पटक दिया, राइट। एक हवा के झोंके को भी नहीं संभाल पाए, एंड ये है डिपेंडेंसी।
पैरासाइट बन गए हो क्या आप? कोचिंग पर पैरासाइट, ऑनलाइन कोर्सेस पे पैरासाइट, टेस्ट सीरीज के लिए पैरासाइट, कहां गया वो इंजीनियर का दम जो रात भर में सेमेस्टर निकाला करता था? राइट, सब जनरेशन क्यों खराब कर रहे हो? इंजीनियर इंजीनियर होता है, सबसे पावरफुल कॉम है, सबको बदल देता है ये। तो आप किसी पर्टिकुलर कोचिंग पर डिपेंड मत होइए, उससे आइडिया लीजिए। राइट, अपने डिसीजन उसको लेने उनको लेने मत दीजिए, बस वो डायरेक्शन के लिए है। कोचिंग का काम है अच्छे से आपको डायरेक्शन देना, डायरेक्शन लीजिए, डिपेंड मत होइए, मकड़ी मत बनिए। खुदा ना खास्ता आपका एग्जाम अगर निकल भी गया तो आप उस लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। यू कांट, क्यों नहीं एंजॉय कर पाओगे? क्योंकि आप अपनी मेहनत से नहीं पहुंचे हो। आप जैसे ही आप जाओगे काम करने के लिए, आपसे काम नहीं होगा। राइट, आपको फाइल समझ में नहीं आएगी, आपको सिस्टम समझ में नहीं आएगा। रीजन है क्योंकि आप कोचिंग से पढ़कर गए हो। आप अपनी लाइफ को कैसे जियोगे आखिर? अरे 20-25 साल में सेलेक्ट हो जाओगे, अगले 35-40 साल जीना है, वो तो अपने नॉलेज के दम पर जियोगे ना, नहीं तो ऐसी हैबिट बेकार होती। बात बात पे पूछोगे, सर बताओ यहाँ पे कहाँ जाना है, फिर मेरे लाइफ में घर कैसे खरीदना है, कार कैसे खरीदनी है, अरे एक सिंपल सा ट्यूबलाइट कौन सी खरीदनी है। मतलब छोटे छोटी बातों पे आप लोगों की इतनी राय मशवरा करोगे कि लोग पागल हो जाएंगे। भाई कुछ तो अपना डिसीजन खुद लिए कर। एंड डिपेंडेंसी, दैट्स अ वेरी डेंजरस वर्ड। तो 5 मिस्टेक्स प्लीज अवॉइड कीजिए। राइट, तो आप ध्यान रखिए, आपको क्या करना है, सोचना नहीं है, काम स्टार्ट करो। दूसरा, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो, कट ऑफ पर नहीं, टॉपर्स के मार्क्स पर फोकस करो। राइट, और ये हमने देखा था इससे पहले, कंपैरिजन करना बिल्कुल बंद कर दीजिए आज से। हर किसी की अपनी लाइफ है, हर किसी का अपना स्टाइल है। मैं सबसे स्मार्ट हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ, ऐसा सोच के आप काम चालू कीजिए। देखिए आपके अंदर के भाव बदलेंगे, आपका सिस्टम बदलेगा, और जब अपने आप पर कॉन्फिडेंस आएगा ना, तब बात बनेगी। सबसे बुरी बात होती है अपने आप को हीन समझना, बिल्कुल ये सबसे नेगेटिव है। मैं सर्वे सर्वा हूँ, मुझे भगवान ने सर्वोच्च ताकत बनाकर भेजा है, मैं पूरे इस शासन करने के लिए तैयार हूँ, मैं हर चीज़ को मैं अचीव कर सकता हूँ, ये सोचकर आप काम कीजिए, कभी फेल नहीं हो गया आप। ठीक है, और लास्ट, ये डिपेंडेंसी तो बिल्कुल मत रखिए, कोचिंग के कंटेंट को यूज़ कीजिए। कोचिंग को ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे बोलते हैं सर थोड़ा और सिखा दो और सिखा दो, तो मैं हंसी मजाक में बोलता हूँ एक काम करो, अपने एडमिट कार्ड में मेरी फोटो लगा दो, मैं ही चले जाता हूँ आपकी जगह एग्जाम देने के लिए। इज इट पॉसिबल? अरे इतने भी डिपेंडेंट मत बनो भाई, डायरेक्शन देना हमारा काम है, कर्म तो आपको करना है। ठीक है ना, और चेला मतलब शिष्य, स्टूडेंट, हमेशा गुरु से आगे जाना चाहिए, तब उस गुरु उस टीचर की महिमा है। राइट, गुरु का गुरु से नाम नहीं होता, गुरु का नाम हमेशा शिष्य से होता है। राम से ज़्यादा हनुमान पूजे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, राम से ज़्यादा आप हनुमान को देखोगे, क्योंकि हनुमान महान भक्त हुए हैं राम के, तो राम का नाम है लेकिन हनुमान के साथ है। ठीक है, तो ये है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हिट कीजिए हमारा बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन फॉर लेटेस्ट वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ऐसे वीडियोज़ मैं आपके पास लेता रहूँगा। और आप ज़रूर फीडबैक दीजिए, फीडबैक में ये बताइए कि आपको कैसा कंटेंट चाहिए। अभी मैंने एक वीडियो में आपको बताया है कौन कौन सी रेफरेंस बुक आपको रेफर करनी चाहिए। राइट, वो भी आ गया है, वो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वो मेरा पहला वाला ही पॉइंट है, कट ऑफ मार्क्स नहीं, टॉपर्स पे अगर फोकस करना है तो आपको पता होना चाहिए आपके रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपने अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करने का मन बनाया है तो आप प्लीज़ कोड यूज़ कीजिए राठी लाइव एंड गेट द 10% डिस्काउंट। ओके, थैंक यू एंड गुड लक। Yes.